हैं, बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट चला है। यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिकेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे सिग्नल मिला है सेम एरो पे, यहाँ पे रेड लाइन रेड कैंडल सेम टाइम पे इस एरो पे यहाँ पे जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंट मिला यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सडनली काफ़ी बड़ा बिग बार पहले डाउन साइड कैंडल बना, ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर नजर आएगी। उसके बाद क्या था, अपोजिट बिग बार कैंडल भी बन गया ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते, डर जाते कि यहाँ पे आप अपोजिट अपसाइड जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉस में निकलते हैं। अगर यहाँ पे पोजीशन बना रखा है, यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे अगर अच्छा प्रॉफिट दिखा, होल्ड भी करेंगे तो यहाँ पे दोबारा अपोजिट गया तो यहाँ पे लॉस नज़र आता है, ठीक है। बट लोगों को नॉर्मल चार्ट का यूज़ करते तो उसमें डर के निकल जाते हैं। बट इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको पूरा कन्फर्मेशन मिलेगा कहाँ पर निकलना है कहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर क्वान्टिटी ऐड होती है, यहाँ पर क्वान्टिटी ऐड करेंगे फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव आया, फिर यहाँ पर अपोजिट इस जगह पर हुआ ग्रीन लाइन ग्रीन कैंडल सेम टाइम पे क्रॉस, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बन गया। अब यहाँ पे देखो कैंडल चेंज होने वाला है, इंडिकेटर के साथ कैसे चेंज होगा देखना है। यहाँ पे कैंडल के साथ प्रॉपर चेंज होता है, इसमें लैगिंग नहीं होती, बहुत ईजी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। फिर यहाँ से अपने को यहाँ पे देखा ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन ग्रीन कैंडल सेम टाइम पे क्रॉस, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर, काफ़ी ईजी स्ट्रेटेजी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।